अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ चीज़ कीमा मैक्रोनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। इसके बाद ऐड करेंगे एक लार्ज कटी हुई प्याज। अगर आपके पास प्याज थोड़ी छोटी है तो आप दो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स बीफ का कीमा। कीमा डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें और डालकर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ कीमा भुनने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप टोमेटो प्यूरे। ये तकरीबन 6 से 7 टमाटर की प्यूरे है। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका और 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कुक करेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप पानी, 1 टीस्पून नमक। अगर आपको पानी थोड़ा कम लग रहा है तो 1/2 कप आप और डाल सकते हैं। इसमें हम बॉयल आने का वेट करेंगे और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें 1 पैकेट डाल देंगे एल्बो मैक्रोनी का। इसको डालकर मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। फिर हम इसको कवर करके कुक करेंगे 15 से 20 मिनट्स के लिए। और इसी दौरान मैंने बीच में भी चमचा चलाया था। इसको हम मिक्स कर लेंगे और मैक्रोनी जो है हमारी अच्छे से गल चुकी है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप चेडर चीज़। आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं। मैं दोनों डालूंगी। 1/2 कप चेडर चीज़ डाली है और 1/2 कप मैं मोज़रेला चीज़ डालूंगी। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसको कवर करके कुक करेंगे 5 मिनट्स तक के लिए जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो जी 5 मिनट्स बाद अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको जो है सर्व कर लेते हैं। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।